बैठिए प्लीज प्लीज, विराजमान हो जाइए। अर्चना जी क्या बात लग रही है आज। हाँ, लेकिन आज आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स आने वाला है। क्यों? एक है बात। अच्छा हाँ। बता। सो दोस्तों आज हमारे बीच जो मेहमान आ रहे हैं वो एक बड़ी ही प्यारी जोड़ी है, माँ बेटी की जोड़ी है। वाह। तो चलिए इन्हें एक एक करके इनवाइट करते हैं। सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगा उन्हें जो अपने दौर की सुपरस्टार रही हैं और हम सबकी चहेती हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, मैं उनको लेके आना चाहता हूं। प्लीज तालियां बजती रहे, यो जोरदार तालियां नीतू जी के लिए। मैं अपनी सहेली को मिलने यहाँ आ गई। बहुत अच्छा किया आपने। वेलकम डार्लिंग, सो गुड टू सी यू। जोरदार तालियां हो जाए हम सबकी फेवरेट ब्यूटीफुल नीतू जी के लिए। नीतू जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। कितना बदल गया ना फ्रॉम व्हेन आई केम लास्ट टू नाउ। हाँ मैम, अभी सेट भी नया है। पहले सत श्री अकाल से हाय अर्चना। अच्छा वो तो निकल गई है, वो तो इन्होंने डकार भी नहीं लिया। अभी बस यही है, क्या करें। Some changes are very good. Exactly. Very good. Exactly. This change is excellent. Absolutely. पर आप है ना ये ब्रेक मत लिया करो। हाँ. Because we need to laugh. आजकल इतना sadness हो रही है, ये COVID हो रहा है, तो please don't take a break. Of course, ma'am. बिल्कुल. Thank you. Continue करो. आपका भी बहुत जल्दी जल्दी नहीं आपने बच्चे पैदा किए। एक के बाद एक। कुछ आराम नहीं देना। Very good question. वाइफ को। वो actually क्या हुआ, मेरी जब डॉटर हुई ना, तब कोरोना की पहली लहर आई थी। हाँ। तो फिर मेरे घर में बेबी गर्ल हुई। उसके बाद दूसरी लहर जब आई ना, तो मेरा बेटा हुआ। तो बीच में अफवाह आ रही थी कि तीसरी लहर भी आ सकती। मेरी बीवी मेरे को देख रही। अबे कुछ नहीं हो सकता। नहीं नहीं, भगवान ना करे कभी ऐसी कोई तीसरी लहर आए। तो बच्चे तो भगवान की देन है, मतलब जो भी है। और आप बहुत प्यारी लग रही नीतू जी, जब भी आपको देखता हूँ हमेशा ही और ज्यादा फिट लगती है। अभी तेरी फ्लर्टिंग की कोई हद है? नीतू के साथ फ्लर्ट कर रहा है? She's a jealous woman. यही बात अगर मैंने इनको बोली होती ना कि आप बड़ी प्यारी लग रही हैं, तो जाके पति को पीट देती कि आज के बाद मुझे बीवी नहीं बेबी बुलाया करो। अच्छा मैं थोड़ी सी दूसरों की तारीफ कर दूं, बड़ा ही जलती है, क्या करें। तेरे से प्यार है मुझे, इश्क है तेरे से। लव यू अर्चना मैम। नीतू जी आप इतनी फिट हैं। थैंक यू। हमेशा, और मैंने देखा है जो कपूर फैमिली में हमने ऐसा सुना है कि आपके वहाँ डाइनिंग टेबल हमेशा सजा ही रहता है, तो आप इतनी फिट कैसे हैं फिर नीतू जी? वो देख देख के ना मेरे को कुछ हो गया, इतना खाना देख देख के सब खाते ही रहते हैं। तो आप कंट्रोल कैसे करती हैं? बट वो नफरत हो जाती है फिर खाने से, बिकॉज इतना खाना खाते हैं ये लोग। सुबह उठ के बोलते हैं लंच क्या खाए, लंच में बोलते हैं डिनर क्या खाए, बस खाना ही खाना चलता है। सो आई गॉट पुट ऑफ विद फूड यू नो। एंड ऑल्सो ऋषि जी बहुत थोड़े जी थे, मोटे, सो वो हीरो थे। अभी हीरो को हीरो लगना चाहिए, राइट। सो आई यूज्ड टू टेल हिम कि ये डाइट करो वो डाइट करो, तो खुद करती थी फिर उनको बताती थी। तो करते करते मैं खुद भी थोड़ा। तो ऋषि सर फॉलो करते थे? फॉलो करते थे, मतलब मेरे को खुश करने के लिए। अच्छा। मैं बात नहीं करती थी 6-6 महीने। अच्छा। कि पहले आप पतले हो फिर मैं बात करूंगी। अच्छा। Then he got fed up. अच्छा अच्छा बोल, क्या करना, अच्छा बता क्या करना है। Then he would do and then go back to eating. So cute he was. वैसे भी ना नीतू मैम का इनकी बेटी रिधिमा के साथ ना वो चलता रहता है चैलेंज। मैंने इस दिन सोशल मीडिया पे देख रहा था, वो इनको चैलेंज कर रही थी, मम्मी मेरा फिटनेस लेवल ये हो गया, और ये आगे उनको लिख रही थी 1 वीक रुक जा वापस मैं भी आऊंगी। क्या बात है, ये मजेदार चीज है। We inspire each other. बिल्कुल मैम, इंस्पायर। अपने बच्चों से चैलेंज लेके वापस ये भी लग जाती हैं। नहीं तो किस चीज की कमी है भगवान ने दी है? अपनी जगह किसी और आदमी को भी रख सकती हैं दौड़ने के लिए, जैसे अर्चना जी ने रखा हुआ है, अपने हस्बैंड को ही रखा हुआ है इन्होंने। जब देखो पति को लड़ाती रहती हैं। इनके बच्चे ने एक बार चैलेंज दे दिया, उनको घर से निकाल दिया। वो यूएसए में रहता है। और नहीं तो क्या, बच्चे चैलेंज दे के तो देखें। ये आप अभी ज्यादा बोल रहे हो। आई डोंट बिलीव इट। अभी आपको चलते शो में जब दिखेगा ना कि ये हाथ आके ऑडियंस के चने खा रही हैं, ये इनसे कंट्रोल नहीं होता। इनके टेबल के आगे जो पड़ा रहता है वो तो खाएंगी। मेरी मम्मी आगे बैठी रहती है, बेचारी चने खा रही थी, लंबा हाथ करके उनके चने निकाल लेती है। मम्मी आज बड़ी खूबसूरत लग रही है आप। सत श्री अकाल जी। वाह मम्मी, आज आप आई ना तो मम्मी ने स्पेशल सूट निकाला है, पता नहीं कहाँ से। so मैंने कभी देखा नहीं। वो मेरे साथ रहने से डरती है। तीसरी लहर बताया ना मैंने आपको। तो तीसरी लहर is on the way? No 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 no. Not on the way, right? ना अब तो मैं ही। Let her rest now. अरे मुझे खुद नहीं रेस्ट मिलती। रात को 4 बजे बच्चे कभी भी उठ के रोने लगते हैं। मैंने यार क्यों रो रहे हो? दुनिया को हम हंसा रहे हैं तो हमारा इंप्रेशन खराब होएगा। हमारे बच्चे उठ के रोते रात को। नीतू जी जैसे बहुत बार होता है हमारे यहाँ पे जो हीरोइंस आती है ना तो उनको जो डिजाइनर है ना अपने आउटफिट देते हैं, बोलते हैं आप जाके शो में पहनो और हमारे बारे में कुछ ट्वीट कर देना। हाँ। तो वो ड्रेस वापस भी ले लेते हैं फिर डिजाइनर। आपके साथ कभी ऐसा होता है? हुआ है ना। अच्छा कितनी बार हुआ है? अभी मैं बोलना नहीं चाहती कहाँ हुआ है, बट हुआ है, हमेशा होता है। दैट्स द ट्रेंड। जैसे हमारी अर्चना जी ना किसी डिजाइनर से कपड़े लेती हैं, बोले तुम मुझे ड्रेस दो मैं तुम्हारे बारे में ट्वीट कर दूंगी, और उसके बाद जब वो वापस लेने आता है फिर ये वापस में मूंछ लगा के बैठ जाती है कि मैं तो परमीत हूँ, चल भाग यहाँ से। फिर ऐसे हे भगवान कहाँ से लाता है तू ये सब? मैंने इनको बोला, मैंने कहा आप ड्रेस वापस क्यों नहीं करती? कहती अगर 5 मिनट हाथापाई करने से ड्रेस आपकी हो सकती है, उसमें क्या बुराई है? नीतू जी तो यहाँ पर है ही। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा इनकी सुपुत्री को, जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम वेरी ब्यूटीफुल फैशन एंड ज्वेलरी डिजाइनर रिधिमा कपूर साहनी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू कपिल, थैंक यू। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू रिधिमा। ये बोल मैं सोनी से पैसे बढ़ाने वाला हूँ। हम लोग तो रीरन्स भी देखते हैं कपिल शर्मा शो का। वाओ कितना अच्छा लगता है ना, ऐसे इतनी बड़ी फैमिली से 2 लोग आए हमारे चहेते और वो हमारा शो देखते हैं। हमारा सौभाग्य, धन्यवाद। पूरी दुनिया देख रही है, अब हमको बोल रहे हो। थैंक यू मैम। अच्छा ये पहली बार हुआ है, नीतू मैम तो हमारे शो पे पहले भी एक बार आ चुकी है। रिधिमा टीवी में कभी गई नहीं कभी आज तक, ना कभी फिल्मों में, पहली बार आई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आज डेब्यू है, डेब्यू है आज। अच्छा ये देखो आप माँ बेटी दोनों मंच पे खड़ी हैं, पता नहीं चलता है कि माँ बेटी हैं कि फ्रेंड्स हैं। सेम अर्चना जी ने भी मतलब इतना मेंटेन किया हुआ ना, घूम फिर के वहीं आना है। ये और परमीत सर खड़े हो ना, पता नहीं चलता हस्बैंड कौन है। मैंने अभी पीछे कुछ हमारे प्रोडक्शन वाली लड़की है उनको मैंने भेजा, मैंने कहा जाके देखो नीतू मैम आ गई कि नहीं, तो वो नीतू मैम और रिधिमा बैठी हुई थी। बोले कि नहीं रिधिमा तो अपनी फ्रेंड के साथ आई है, नीतू मैम अभी पहुंचने वाले हैं। मैंने कहा वही है। एक बार रिधिमा आप इतनी अच्छी डिजाइनर है और आपने खुद इतनी प्यारी ड्रेस पहनी हुई है, कसम से हरी मिर्च लग रही है आप, स्पाइसी। मेरे ड्रेस के बारे में आपका क्या ख्याल है? आपका ड्रेस तो फर्स्ट क्लास है, लेकिन बंदा भी तो फिट होना चाहिए। आते ही इन्होंने साबित कर दिया ना, एक कपूर फैमिली से ऋषि सर की बेटी धड़ाक से पंच मार दिया। आइए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए रिधिमा, जैसे हम लोग कभी बाजार जाते हैं सब्जी लेने जाते हैं, नॉर्मली होता है ना जैसे भिंडी कैसे लगाई 35 रुपए, तो 25 लगा लो 50 की 2 किलो ले लेंगे, ऐसा हम बोलते हैं, हमारी आदत है। तो आप तो ज्वेलरी डिजाइन करती हैं तो पेमेंट भी ज्यादा होता है उसमें, तो ऑब्वियसली तो वहाँ पे भी क्लाइंट ऐसा बोलते हैं कि नेकलेस 1 करोड़ का लगा लो 2 ले लेंगे? नहीं, कहते हम एक्स्ट्रा डब्बा ले जाए घर पे फ्री में। रिधिमा वैसे एक बात बताइए, आप इतनी खूबसूरत है, आपका नहीं कभी मन किया हीरोइन बनने का? कपिल फैमिली में इतने सुपरस्टार्स हैं और कितने चाहिए आपको? एक्चुअली जिनके घर में कोई ना हुई ऐसा एक्टर उक्टर हो तो वो सोचेंगे कि मैं बड़ा होकर हीरो बनूं, जिनके आसपास बाहर निकलते किचन से कंधा लग रहा है, इधर सुपरस्टार उधर सुपरस्टार, तो फिर अलग भी आदमी को सोचना चाहिए। नीतू मैम आपके दोनों बच्चों में से, रिधिमा और रणबीर में से, हाँ जी, आपको क्या लगता है कौन ज्यादा आप पे गया और कौन ज्यादा ऋषि सर पे गया? ये तो पूरी ऋषि जी का रूप है, वो मैंने देख लिया, मतलब पूरा जिस तरीके से जवाब आ रहे हैं उनके, फुल रूप है। मतलब कि यू नो लाइक कपूर्स का ना एक फेक एरोगेंस है, कपूर एरोगेंस है, रुबाब मारते हैं, है ना? मतलब कि अंदर से लल्लू है, ऊपर से रुबाब, सॉफ्ट रणवीर में नहीं है, रिद्धिमा में वो कपूर एरोगेंस है, अंदर से लल्लू है। She means soft है अंदर से, मतलब अच्छे। लल्लू soft same चीज़ बच्चों के लिए। मैंने देखा ऋषि सर तो इतने ब्लंट थे, मतलब कभी कभी तो डांट भी देते थे वो। आपको पता नहीं है, मैं आपको स्टेज के पीछे का किस्सा बताता हूँ, आपको मैंने शायद बताया था। हुआ क्या, ऋषि सर आने वाले थे खुल्लम खुल्ला, जो उनकी बुक आई थी उसके प्रमोशन के लिए। हम सब डर रहे थे ऋषि सर को बोलने के लिए कि नीतू मैम भी साथ ला सकते हो आप। तो हमारी एक प्रोडक्शन की लड़की ने फ़ोन भी किया कि ऐसे नीतू जी को बुलाना, तो उनको फ़ोन करो, मेरे को क्यों कर रहे हो। तो वो डर गई, लेकिन ओके। फिर वो बोले कि आप नीतू जी को फ़ोन करो। मैंने नीतू मैम को फ़ोन किया, और मैं भी, क्योंकि अगले दिन शूट था, मेरे भी मुंह से अजीब सी बात निकल गई। रात को 10 बजे मैंने फ़ोन किया, मैं कहा मैम ऋषि सर आपके साथ तो नहीं है। कहती रात को 10 बजे मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं होंगे तो कहाँ होंगे। I remember that. मुझे एक और किस्सा याद आया मैम। हम लोग, ऋषि सर जब पहली बार हमारे शो पे आए, हम दूसरे चैनल पे थे और फिल्म आने वाली थी, आप भी थे उस फिल्म में, 2 दुनी 4 की शायद बात है। तो मैंने ऋषि सर से, मैंने राज कपूर साहब का जिक्र छेड़ लिया। मैंने कहा सर ऋषि सर ऐसा सुना है कि राज कपूर साहब अपने म्यूजिक डायरेक्टर को लेके लोनावला चले जाते थे म्यूजिक, तो बीच में वो लड़की PR वाली, नो पर्सनल क्वेश्चन, ओनली फिल्म। ऋषि सर कहते यू सिट अप, You ask please whatever you want to. तो वो इतना, फिर मैं खुल गया, फिर मुझे समझ आ गया कि ऋषि सर ऊपर से ऐसे हैं, नारियल हैं, तो अंदर से बड़े प्यारे हैं। नहीं पर सब में ही ऐसा है, the whole family ऐसे, सब ऐसे हैं, पर अंदर से सब बहुत अच्छे दिल के, नरम कलाकार तो है ना सारे। और रणबीर पूरा मेरे पे है, like very soft hearted, कभी गुस्सा नहीं आता उसको, you know he's like that. ठंडे स्वभाव का है, ये गरम नहीं है बट थोड़ी सी है। क्या हो रहा है जब ये आते हैं मेरे को टेंशन हो जाती है। क्यों? मैं अपने सर्वेंट्स को पूछती हूँ ये लायो वो लायो ये, क्योंकि आते सार पूछेगी वो है नहीं है क्यों, यू नो ये डरा देती है। अच्छा। इसे पूछते वापस कब जा रहे हो, जाती है हमारी डेज। जब इसकी शादी हुई थी तो मैं इतना रोई, मैं पूरा 1 साल, आई वॉज सो अपसेट, आई वॉज सो डिप्रेस्ड। अभी जब आती है बोलती कब जा रही है तू। अब मैं इसको धक्के मार मार के दिल्ली भेज दूँ, तो तेरा घर है, तेरा हस्बैंड है, तेरे बच्चे हैं, तू दिल्ली जा, यहाँ नहीं रहना। बट आई हैव टू टेल यू दिस, जब ऋषि सर का हुआ देहांत हुआ, सो मेरे फर्स्ट 6-7 months आई वाज रियली रियली बैड, आई वाज रियली वेरी वेरी डाउन। बट ये मेरे बच्चों ने और मेरी फैमिली ने क्या सपोर्ट किया है, आई मीन दे वर आउटस्टैंडिंग, छोड़ा नहीं, एंड दे वर लाइक विद मी। वो रोज़ आ जाते थे, रोज़ कुछ ना कुछ करते थे कि यू नो दिल बहलता रहे, बट दे वर आउटस्टैंडिंग। रणबीर, रिद्धिमा, बाकी के मेंबर्स ऑफ द फैमिली दे वेरी नाइस, बट लाइफ गोज ऑन एक्चुअली, सो आई डोंट लाइक बीइंग सैड फॉर टू लॉन्ग, आई लाइक टू मूव ऑन। आप मुस्कुराती हुई अच्छी लगती है, बट वी आर मिसिंग ऋषि सर सो मच। मैम भी लॉकडाउन में रिद्धिमा भी आपके साथ थी, रणबीर भी साथ थे, परेशान कौन करता था दोनों में से ज्यादा? मैं, I think, I don't know. मैं परेशान तो रणवीर नहीं करता है, नहीं ये भी परेशान नहीं करती है, but she's very strict. That's only thing, yeah. But she's been an amazing daughter. Personality ऐसी है। इसीलिए तो लोग बोलते हैं ना बेटियां बड़ी प्यारी होती हैं, caring होती हैं। Exactly. मेरी बेटी भी अभी 1.5 year की है, उसको पता था मैंने शूट पे जाना, सुबह 4 बजे उठकर रोने लग पड़ी। यार होता है कभी, बड़ी होके समझ जाएगी। पापा का सुबह सुबह शूट होता है, सुबह सुबह वैसे कम ही करते हैं हम। हाँ। पर आज आप आ रहे थे, हमने कहा तो 5 बजे उठ के योगा भी कर लिया, हम फटाफट भाग के आए। एक्चुअली हम योगा गाड़ी में कर रहे थे, मेडिटेशन कर रहे थे। हाँ, हम दोनों। रिद्धिमा मेरे को ये बताओ, मेरा मुंह जो है ना, ये जैसे शाम तक आते आते 7 बजे तक मेरा नीचे वाला एक फर्स्ट फ्लोर निकल आता है। नहीं, मेरी जेन्युइन प्रॉब्लम है, ऐसा क्यों होता है? मेरा मुँह ब्लोटिंग हो जाती। It doesn't matter, फिर भी अच्छे लगते हो, फिर भी cute लगते हो। गिनी, are you watching? आगे से मुझे नहीं बोलना, तो तुम्हारी डबल चिन दिख रही है। शो आ रहा ना शनिवार, खुश रहो। रिद्धिमा जैसे भाई बहनों की लड़ाई होती है मैम, है ना? लड़ाई बचपन में मैं तो पटकती थी रणबीर को। किस वजह से? हम लोग WWF दैट टाइम के बहुत बड़े फैन होते थे। तो जैसे मम्मी और पापा बाहर निकलते थे, मैं उस पे जंप करती थी, और मैं थोड़ी हेवी थी, वो पिदली सा सूखा सा था, तो मैं उस पे जंप करती थी, उसको पटकती थी, उसको मारती थी। तो वी थॉट हम लोग रेसलर्स थे, यू नो वो टाइम में। पर वाकई बचपन में बच्चे जो देखते हैं उनको लगता है, जैसे मैंने शोले फिल्म देखी तो मुझे गब्बर सिंह बड़ा पसंद आया, तो मैं स्टूडियो गया, 10 रुपये खर्च करके मैंने बंदूक लेके फोटो खिंचवाई। और मैं तो खड़े खड़ा हूँ ऐसे करके, मेरी बहन भी खड़ी है। आई रिमेम्बर जब ये छोटे छोटे थे बहुत लड़ाई करते थे, तो उनको समझ नहीं आती थी कि क्या करें, मतलब हर्ट कैसे करें। तो ये रिधिमा बोलती थी तू बिल्डिंग खा जा, रणबीर बोलता तू ट्रक खा जा, मतलब बड़ी बड़ी चीजें ढूंढते थे कि तू ये खा जा फिर वो खा जा। फिर सब कुछ खा लिया, अभी इनको समझ नहीं आती क्या बोले, तो तू स्विमिंग पूल पी जा। तो मैं बोलती थी आप लोग क्या ये झगड़ा है। सो रणबीर का भी नो बिकॉज आई डोंट यूज अब्यूसिव लैंग्वेज, मैंने आज तक नहीं किया, मैंने कभी सिल्ली या स्टूपिड भी नहीं बोला होगा। अच्छा, तो उन्होंने कभी सुना नहीं था कि गाली क्या होती है। सो उनको लगता था कि गाली इज नॉट नाइस। सो रणबीर को एक बार बहुत गुस्सा आया, ही सेड यू कस्टर्ड। आई सेड, हाँ आई सेड रणबीर कस्टर्ड क्या होता है? मॉम दैट्स विद अ बी। उसको बी बोलना था, बोला नहीं, यू कस्टर्ड। वाह, देखा मम्मी, इन्होंने आज तक अपने बच्चों को नहीं डांटा। मैंने एक बार 5 रुपए गलती से मेरे से जल गए कहीं, हाँ। लोहड़ी वाले दिन, हाँ, मेरी सर्दियों में टी शर्ट उठा के मम्मी ने पंजा मारा। एक ही बार मेरी माँ ने मेरे को मारा है, हाँ? हाँ, बाकी डैडी मारते थे। मैं मजाक कर रहा हूँ, मेरे मम्मी पापा ने कभी मारा नहीं, पर डैडी मेरे ना एक्चुअली पुलिस में थे ना, हाँ। तो मुझे पहले 3-4 साल तो समझ में नहीं आया कि ये वर्दी वाला हमारे घर क्यों आता है रोज। फिर मेरे को समझ में आया जब मेरे पिताजी हैं, जब बड़े हुए थोड़े, तो वैसे डर लगता रहता था। बट लेकिन थोड़ा बहुत मारते तो सुधर जाता है यार, पर फिर भी ऐसे सुधरा क्या, मैं लोन लेके देश छोड़ रहा हूँ, मेरे को क्या बिगड़ा है मेरा। एक रिधिमा की बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी बताती हूँ। सो रिधिमा इज अ वेरी प्रॉपर गर्ल, यू नो। जैसे आप अगर डाइनिंग टेबल पे बैठे हो तो आप अगर खाना खा रहे हो तो मुँह बंद करके खाओ, राइट। और पापड़ खाओगे तो आवाज तो आएगी, राइट, खर्चा रखा। इसको बड़ा गुस्सा है कि ओह माय गॉड सो डिस्कस्टिंग, ऐसे से करे हमको। तो मेरे को रणबीर को बहुत बुरा लगे, ऋषि जी तो डिड बॉदर, जो बोलती है बोलने दो। सो शी यूज्ड टू जस्ट रोल हर आईज, अपनी प्लेट उठाए और जाके अलग जाके बैठ जाए कि आई कांट टेक दिस, पर मैं रोल हर आईज, हां ऐसे करती थी। इसकी बेटी हुई, अच्छा, अरे बच्चे को तो माँ बैठ के खाना खिलाएगी, और ये बच्चा थोड़ी छोटा सा है, वो करके खाना खा रही है। सो मैं और रणबीर बड़े खुश, और हमने देखा अब बोल नाउ व्हाट, अभी रोल कर आके पे बैक टाइम। वी यूज्ड टू गेट सो स्कैट, हमारी पूरी लाइफ शी इज टॉर्चर्ड अस। पापड़ नहीं खाओ, वेफर नहीं खाओ, मुंह बंद करो, ऐसे बैठो, ऐसे करो। वाह बाप रे, हम तो आपको डिनर पे कभी बुला ही नहीं सकते। जब आपको हमारी सारी फैमिली के मुंह खुले हुए देखेंगे, उफ, मुंह बंद करके खाना है। अच्छा, रिधिमा की शादी जो है दिल्ली के बिजनेसमैन भरत साहनी जी से हुई है, साथ में लंदन में आप पढ़े भी हैं, फिर वापस आके इंडिया में शादी की और फिर इंडिया में सेटल भी हो गए। तो लंदन पढ़ाई करने गए थे कि यही सेटिंग करने गए थे आप लंदन में मिली थी उनसे पहली बार? हाँ, पहली बार लंदन में मिली थी, लेकिन पढ़ाई कर रहे थे वो, सिर्फ अपने दोस्तों को मिलने आए थे उधर। अच्छा। और हाँ, हम तो सिर्फ बहुत बहुत अच्छे दोस्त थे देन। फिर हाँ, थोड़े सालों के बाद फिर मुलाकात हुई और फिर शादी हो गई उसके बाद, और ऐसे कुछ शादी हो गई। हमने ना एक और खबर सुनी थी रिधिमा कि जब आप लंदन में पढ़ाई कर रही थी तो रणबीर ने मौके का फायदा उठा के आपकी काफी सारी चीजें उठा के अपने गर्लफ्रेंड्स को गिफ्ट कर देता था। हाँ। तो आप हमें बता सकती हैं टोटल आपकी कितनी चीजें मिसिंग थी ताकि हम आइडिया लगा सकें? नहीं, आई विल टेल यू व्हाट हैपेंड। मैं लंदन में थी, मैं वापस आई हॉलीडे के टाइम, और मैं बैठी हूँ और उसकी गर्लफ्रेंड घर पे आई और एक टॉप पहना। मैंने बोला ये टॉप तो बहुत फेमिलियर है, मैंने देखा लेकिन मैं उसको सिर्फ मैं उसकी शक्ल नहीं देख रही, मैं सिर्फ उसकी वो देख रही हूँ। मेरे टॉप ये टॉप नहीं मिल रहा था मुझे कंफर्ट से। तो बाद में पता चला कि वो मेरी चीजें निकाल के उसको देता था, यू नो। पैसे नहीं मिलते थे ना बेचारे को, पॉकेट मनी उसकी बहुत, वो हम लोग राशन करते थे। आई हैव नेवर गिवन मनी टू माय चिल्ड्रन, कि जितना चाहिए उतना ही, नेवर स्पॉइल देम। ये एक्चुअली बात सीखने वाली है। हाँ। मेरे भी 2 बच्चे हैं, तो क्या करूँ, बिल्कुल नहीं स्पॉइल करना, एक्स्ट्रा पैसा नहीं दो, फिर पैसे की वैल्यू नहीं रहती है, यू नो, बच्चों को, राइट। एक बार ना रिधिमा आपको भी शायद वो इंसिडेंट पता होगा, तो किसी ने उनको लिख दिया ऐसे ही कि ऋषि जी प्लीज टेल रणबीर आई लव यू, तो उन्होंने गुस्से में लिख दिया आई एम नॉट हिज मैनेजर। तो आपकी फ्रेंड्स भी तो बोलती होंगी कि रणबीर का नंबर दे दो, मिलवा दो, ऐसा होता है? फ्रेंड्स नहीं, बेटी ने कहा था, बेटी को इलेक्शन के लिए, मतलब यू नो शी वांटेड टू बी, उनको कैप्टन बनना था स्कूल में, वो दे रणबीर का नंबर लीक करवा दूं गर्ल्स को, मुझे वोट्स मिल जाएंगे। आई सेड नो 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 नो, ये मत करना कभी। मेरे को एक बात याद आती है, मैं रोज ऋषि जी का ट्वीट देखती थी एंड आई यूज्ड टू गेट वेरी एंग्री विद हिम कि आज ये क्या किया है, व्हाट। सो दैट नाइट आई हैड नॉट सीन व्हाट ही हैज ट्वीटेड एंड हम लोग ने शिफ्ट किया था मेरे दूसरे घर में, क्योंकि ये घर हमारा रेनोवेट हो रहा था। सो अपने स्टाफ को ले गई मैं अपने पुराने घर में कृष्णा राज में। अच्छा। सो मैं जब ऊपर आई हूँ कपिल, देयर वर 300 पीपल ऑन द रोड, देयर वाज अ पुलिस ट्रक एंड ऋषि कपूर हाय हाय एंड ऑल दैट। मैंने बोला क्या हो गया, व्हाट हैपेंड, आई गॉट डैम स्कैर्ड। तो इंस्पेक्टर आया मेरे पास, मैडम ऋषि जी को बोलना ना वो ऐसा ट्वीट कर देते हैं ना, नहीं करने का। इतना मैं बोल भी नहीं सकती। मेरे को इतना गुस्सा आया, तो मैंने बोला चलो मेरे साथ एंड टेल हिम व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, ही शुड नो, तभी बंद करेंगे। सो मैं वो इंस्पेक्टर को घर ले गई। तो जब घर गई तो मैं गई रूम में, टीवी देख रहे थे, ऐसे इंस्पेक्टर इज कम टू सी यू। सो वो आया, ऋषि जी आपने ये बोला, कट्स चाहिए सर। फिर मैं 3 दिन के बाद नीचे गई हूँ, तो वो पुलिस का कोई लड़का ऐसे बैठा हुआ। आई सर आप क्यों बैठे हो? था नहीं सर ने बोला आपकी लाइफ को खतरा है। कैन यू इमेजिन? बाप रे। सो आई सेड प्लीज डोंट डू इट। उसके बाद काफी ठंडे हो गए थे। वो दिन के बाद ही गॉट स्कैर्ड बिकॉज इट वाज सो स्कैरी, यू नो। आप ही थे जिनके कंट्रोल में आ जाते थे वो। हाँ हाँ हाँ, आई वाज लाइक अ हंटर वाली। रिधिमा जी, ओह आई एम सो सॉरी। बैठी बैठी बैठी। मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई। क्या है मैं लॉयर ना, तो केस चल रहा था, उसको बीच में से छोड़ के आया हूँ मैं। केस चल रहा था, कुश्ती चल रही थी क्या? ये क्या बना रखा आपने? शुरुआत में केस ही था, फिर वो कुश्ती में कब तब्दील हो गया मुझे पता नहीं चला। मुझे ना नीचे नीचे के एरिया में बड़ा बड़ा हल्का सा ठंडा महसूस हुआ, तब मैं समझ गया कि ये पजामा फट चुका है। और ऐसा नहीं कि मैंने उन्हें मना नहीं किया, मैंने कहा यार मुझे मत मारो, मारने को तुम मुझे कल भी मार सकते हो, लेकिन क्या नीतू जी रिधिमा जी मोहल्ले में रोज नहीं आती, लेकिन ये मारने वाले कहाँ सुनते हैं। आपने कहा वो तो सुनी होगी कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। हाँ। लेकिन वहाँ पे कोई बड़ा बनना ही नहीं चाहता था। सारे के सारे मारे ही जा रहे। फिर मैंने कहा आई गिव अप, आई सेड कंटिन्यू एंजॉय योरसेल्फ। आई गॉट सो एग्जॉस्टेड। अगर पता होता ना नीतू जी कि आप आने वाली है, मैं आज जाता ही नहीं केस लड़ने के लिए। डायरेक्ट मैं अच्छा सा कोट पहन के यहाँ पर आपके पास आ जाता। कोट क्या, ये तो पेटीकोट पहन के भी आ जाते कभी कभी। आप ना संपूर्ण मर्द जाति को पेटीकोट ही पहनाइए। मर्द जाति को खत्म कर दीजिए पृथ्वी से यार। यही आपका, कब तक ये सेम चीज करेंगे यार। डू समथिंग न्यू। थिंक द बॉक्स आउट द ऑफ बॉक्स इज What? Think is the out of the box is the thing. That thinking of the box out is the thinking. Think out of the box होता है। जो भी होता है करो ना यार thinking. Thinking out of the box. होता है। हर चीज की आजकल होती है 2-3 वैरायटीज होती हैं, करो तुमको जो। देखिए वकील साहब हमारे गेस्ट आए हैं, थोड़ा शराफत से बात कीजिए आप। गेस्ट आए हैं, मैं गेस्ट से बात करूंगा? शराफत को मैं जानता ही नहीं, मैं उससे बात क्यों करूं? कोई शराफत मैं जानता ही नहीं। मैं बता दूं मैम, आई एम ए वकील, नाम मेरा है आनंद कुमार। लेकिन आपका नाम तो दामोदर नहीं था? नहीं दामोदर था, लेकिन हुआ क्या, कल मैं एक क्लाइंट के पास था, तो मैं केस लड़ रहा था, उससे मैंने वादा कर दिया कि अगर मैं तेरा केस हार गया तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। आनंद और कोई गुड नेम। अच्छा जो मैं एक दिन से आनंद का जीवन जी रहा हूँ लेकिन आई एम अ वेरी बिग लॉयर, काफी बड़ा लॉयर हूँ मैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हर जगह लड़ता हूँ मैं। ये लड़ते रहते कि मुझे भी अंदर जाने दो, मुझे भी अंदर जाने दो, कोई जाने देता ना आपको। एक बार और क्या, एक बार और अगर आपने ऐसी छोटी तुच्छ बात की तो मैं आपके हानिमान का दावा कर दूंगा। हानिमान किसका? हानिमान का दावा। हानिमान तो गुरदास मान का कर दूंगा। गुरदास मान? हर वजन मान का कर दूंगा यार। मान हानि होता है तो हाँ वही वाला दावा ठोकूंगा मैं आप पे यार, जो भी होता है। डोंट कंफ्यूज मी। मैम हाँ जी, आई हैव टू टेल यू, आपकी नजर से एक चीज रह गई है, इफ यू डोंट माइंड इट इज हियर। एक आपकी टैक्स की लायबिलिटी है, ये 1 लाख रुपए का टैक्स है, ये आपको भरना होगा। 1 लाख रुपए का किस बात का टैक्स? इट्स ब्यूटी टैक्स। You are so sweet. सरकार की तरफ से इतना खूबसूरत होना अलाउड नहीं है। खैर कोई बात नहीं, मैं खुद का अपना भरने जाऊंगा तो मैं आपका भी भर दूंगा। आप पे भी ब्यूटी टैक्स लगा है? नहीं नहीं, मेरा तो बदसूरती का चालान कटा है ना। वो वाला भरूंगा मैं आपका भी हाईवे पे। लेकिन बदसूरती से याद आया, रिधिमा जी यू आर अ फैशन डिजाइनर, मैंने सुना है। ज्वेलरी, फैशन, ज्वेलरी है तो मेरे ना स्टाइलिंग में, लुक में, अटायर में ऐसा कुछ आप रेवोल्यूशन सा ला सकती हैं। मतलब ऐसा कुछ मेरा रेनोवेशन करें कि अगली बार जब नीतू जी मुझे देखें तो कहें आपका वकील साहब रेनोवेशन या आपका रीडेवलपमेंट होगा और उसके बाद 2 आदमी निकलेंगे। तो एक आप रख लेना यार, मुझे एक ही चाहिए। 2 आदमी निकलेंगे यार, क्या बातें करते हैं, ये क्या बात हुई यार। वैसे मैं आपको कहना चाहता हूँ, आई एम रियली यार दिस फैमिली, द कपूर खानदान, ओ हो। मतलब एक से एक इतने बड़े स्टार्स हैं इनके घर में। आप सोचिए खाली कि कभी ऐसा फैमिली गैदरिंग होती है तो ये कमरे से एक स्टार बाहर आ रहा है, ये कमरे से एक स्टार अंदर जा रहा है, एक स्टार यहाँ खाना खा रहा है, एक स्टार पीछे। मैं बता रहा हूँ कि इतने सारे स्टार्स हैं कि अगर आप अपने घर का सीसीटीवी फुटेज किसी चैनल को बेचो ना तो भी करोड़ों मिल जाएंगे। He's amazing. All of them so handsome. So handsome. My God. कल मैंने रणबीर कपूर को देखा, इतने handsome लग रहे थे, मैंने propose कर दिया। Anyway, मैं आपसे कह रहा था, because I am a वकील ना, तो मैं ये पेटेंट वगैरह भी कराता हूँ। आप ना रणबीर कपूर को पेटेंट कर लीजिए। उससे क्या होगा? इससे क्या होगा, जब रणबीर कपूर की शादी होगी तो उनकी बीवी कभी भी आपसे ज्यादा हक उनपे नहीं जता पाएगी। ऐसे आइडिया मेरे दिमाग में भट से आ जाते हैं। भट से नहीं, झट से आते हैं। झट से आए, भट से आए, आइडिया आने चाहिए बस, ऐसा कोई वो नहीं। माँ की जगह माँ ही रहती है। नहीं ये बात भी ठीक है आपकी, ये बात भी आपकी बिल्कुल ठीक है। कोई भी आ जाए। आई अग्री विद। ठीक हो। आई अग्री। लाइए। फिक्स कर लीजिए। मेरी बात सुनो आप वकील साहब, आपकी टांगे अगर आपका कहना नहीं मानती, इनको लेके क्यों आते हो आप? अब ये कोई छाता है क्या मैं घर पे छोड़ के आ जाऊंगा? मेरी टांगे यार मेरे शरीर को ढोके लाई हैं। तब छोड़ दिया ना आपको, अब इनको बोलो जाए। मेरा ड्राइवर थोड़ी है क्या बोलो टांगो गाड़ी निकालो, ऐसा थोड़ी होता है कि शरीर को लेके घूम। वकील साहब मैं आपको सजेशन दूं, आप सीरियसली आप जिम जाया करें। आपको देखो साइड से भी पेट निकल रहा है। साइड से पेट निकल तो इस साइड से हाईवे निकलना चाहिए, पेट ही निकलेगा यार और क्या निकलेगा। और ये मोटापा कुछ नहीं होता मैम, आई एम रियली टेलिंग यू। आप देखें अगर ठीक से तो मैं सिर्फ बाहर से ही मोटा हूँ। कल मैंने अपना एक्सरे कराया, आई एम अ स्केलेटन फ्रॉम इनसाइड। कंकाल हूँ मैं एकदम। फालतू की बातें करा लो जितनी मर्जी। केस वेस जीता कभी आपने कोई? यार क्या सवाल पूछ दिया इन्होंने अपना। देखो ये महीने में करीब 13, पिछले महीने के साथ नहीं मासूर साहब का मिला के 18 हो जाता है, उसके पिछले कुल मिला के पिछले साल में 70 केस जीते हैं। नहीं मैं हारा हूँ। जीता जीते नहीं जीता, जीतने में एक वाला था लेकिन उस दिन वो अपना जो गवाह है ना वो अपना टेटनेस वो आया नहीं। टेटनेस नहीं विटनेस। अरे टाइम पे टीका ना लगाओ तो टेटनेस भी होता है। मैं सभी यहाँ पे लोगों को दरखास्त करूंगा कि प्लीज अपना टेटनेस का टीका जरूर लगवाएं। बट यू कैन सी कि हम यहाँ पर सिर्फ हंसी मजाक की बातें नहीं करते हैं, पते की बातें, समझाने वाली बातें, जरूरी विशेष बातें वो भी हम यहाँ पे करते हैं। तो वो शेर तो अपना सुना होगा कि दूर है बच्चे को हंसाया जाए, वो क्या शेर है? घर से मस्जिद है बहुत दूर तो चलो यूं कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। तो आपने उस अमृतसर के बच्चे को क्यों रुलाया? हम उस बच्चे को 4 साल से हंसा रहे थे, आप आई फिर कि आपके घर में परिवार में इसी नहीं कोई प्रॉब्लम हो, लफड़ा है, कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, वो पेटेंट वेटेंट कुछ कराना हो। उनका कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, आप फालतू में हाथ धोके मेरे गेस्ट के पीछे पड़े हो आप। सरकार ने कहा हर 10 मिनट में हाथ धो, मैं हाथ धो रहा हूँ, उसमें भी प्रॉब्लम है आपको। प्रॉब्लम है उनका, कोई केस नहीं, आप क्यों पीछे पड़े हुए? कोई केस नहीं फाइल करवाना उन्होंने तो मेरा काम कैसे चलेगा यार? मेरी भी 3 जवान बेटियां हैं, मुझे उनकी भी चिंता होती है। तो फिर काम पे क्यों नहीं चले जाते आप? मैं काम पे चला जाऊंगा, चिंता कौन करेगा? मैम चिंता भी तो करनी होती है, इट्स अ जॉब इन इटसेल्फ। एनीवेज कोई बात नहीं, मैं आपको मुझे कांटेक्ट कीजिएगा आप जब भी आपको जरूरत पड़े। ये नंबर है, ये तो अकाउंट नंबर है। हाँ तो पैसे डाल दीजिए इसमें। किस खुशी में? नहीं नहीं देखिए चैरिटी बिगिन्स एट होम, और एक अच्छा घर का रिश्ता सा हो गया है तो थोड़ा थोड़ा डालिएगा, आपको मजा आएगा, ट्रस्ट में आपको मजा आएगा। चलिए अभी मुझे जरा निकलना पड़ेगा, जज के घर पे पार्टी है। शो शो किस खुशी में? पता नहीं यार, वो दिन में कह रहा था ऑर्डर ऑर्डर कुछ किया होगा, ऑर्डर देखते हैं और आगे आएंगे कुछ करेंगे। धन्यवाद। मैम हमारे पास आपकी कुछ पिक्चर्स हैं, वो हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक भी जरूर देखें। दिखाई प्लीज। ये क्रिएटिविटी आप खुद करती है नहीं तो मैम घर पे? नहीं ये हम लोग दिल्ली में थे। So I don't know who bought these muchis, Ridhima. That's so cute. Bharat bought. No, Tashu did. Tashu कुछ ऐसे मस्ती की थी हमारी पार्टी थी। ये सब चीजें props। हमने सबने मुच्छी लगाई थी। अच्छा। Next. Wow. मम्मी, ये देखो नीतू मैम और रिधिमा दोनों हैं। हम भी कभी करेंगे साथ में योगा मम्मी, हैं कि साथ में समोसे खाते रहना हमने। मैं रिधिमा को चिढ़ाती हूँ ऐसे, रिधिमा यू एंड टाइगर श्रॉफ आर ऑलवेज इन द एयर, आप लोग जमीन पे उतरते ही नहीं हो। तो उड़े रहते हैं। लवली बात है। नेक्स्ट। ओह व्हाट अ पिक्चर। इसमें ऋषि जी ने कुछ 6-7 स्टॉकिंग्स पहनी थी बाल छुपाने के लिए। He shaved his arm, पर तो एसीज नहीं होते थे, so it was really hot, so he got damn irritated। और ये गाना था, हम दोनों मिनी स्कर्ट पहन के। What a beautiful picture। और भी है हमारे पास कुछ। रफू चक्कर। Oh nice, very nice। This is from रफू चक्कर। Yeah। हाँ। Next. Oh. दो कलियां। वाओ। पहले मैं सोचता था, मैंने नीतू मैम ने इतनी जल्दी जल्दी फिल्में करके फटाफट क्विट भी कर दी। अब समझ में आया कब से कर रही थी काम, मतलब बचपन से, 5 साल की उम्र से। वाओ। This is the double role, दो कलियां। Yeah, but that's not दो कलियां. On the right is not दो कलियां. That is बारिश। That's with हेमा जी। Next. Oh. लड्डू सिंह। इसके बाल देखिए शॉर्ट। बिकॉज मैं इसके ना रोज सुबह उठ के इसके चोटी बनाती थी सुबह 6 बजे उठ के जब स्कूल जाती थी तो बिकॉज ये बड़ी प्रॉपर थी ना मैंने आपको बताया तो मैं चोटी बनाओ वेरी टाइट फिर मैं थोड़ी लूज वेरी लूज टाइट लूज मेरी आंखें बंद है मेरे को गुस्सा आ रहा है टाइट लूज मैं सीधा गई इसके बाल कटवा दी I'm not getting up at 6 in the morning and tight shoes. Ponytail का story खत्म उसके बाद. और मेरी चोटी होती थी साधारणी चोटी, ना टाइट ऐसे उल्टी. हाँ. वैसे चोटी करके भेजती थी. मेरी मम्मी भी करती थी ना मेरी बहन की, तो मेरी बहन की आंखें यहाँ से खिंच जाती थी. इतनी जोर से करती थी ना चोटी. Next. Oh, lovely. What a beautiful picture. Yeah. You still do all this, right? We do it all the time. What is the meaning of this? Horns. Horns, ears. Okay. Next. Oh, this is now. Ranthambore. अरे ये लड़की तो फिल्मों में आती है, ये आपके घर भी आती है. कौन है देख? कौन है ये? Very familiar. पहचानी से लग रही है ना नीतू? Very familiar. In Ranthambore. और भी है हमारे पास कुछ. Oh. यार ये बड़ी कमाल की पिक्चर है ये. रिद्धिमा गोदी में सो रही है मम्मी के. रणबीर हुआ नहीं था. अच्छा वो रिद्धिमा है दादी जी की गोदी में है. वो करीना है. अच्छा जो राज सर की गोद में. हाँ. वाव ये पिक्चर बड़ी रेयर है यार. वाव. आगे लोलो है. दस लोलो. और अजीब सर आगे कौन है? मिकी शमी अंकल का बेटा. ओके. मिकी कपूर. व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर. यस. अच्छा आजकल जब से मोबाइल आए हैं लोग मोबाइल से खींचते हैं हमें वो फिर फोटोग्राफ्स कोई देखता भी नहीं जाके है ना. पहले कितना खूबसूरती एल्बम बनती थी फिर चाय पीने जाते थे एक दूसरे के घर फोटोग्राफ्स देखने. कहीं निकाल के भी ले जाते थे अपनी. और भी वाओ ये है स्टारडम. देखिए आप रणबीर कपूर को मेकअप मैन रखा है. ये हमारा वोक की शूट थी आई थिंक. So everybody was there. Wow. That's you. मैम मेरे पास कुछ जनता के सवाल हैं. yes, जो वो मेरे द्वारा पूछते हैं. मेरे कंधे पे रख के बंदूक चलाते हैं. बोलते हैं कि जब नीतू जी आए तो उनसे पूछना आप कि दोनों बच्चों में से कौन कैसा था. तो मैं आपको सवाल पूछ रहा हूँ. आपने बताना है रिद्धिमा और रणबीर में से स्कूल से कंप्लेंट किसकी ज्यादा आती थी? रणबीर. मतलब उसकी शैतानी होती थी. नॉट दैट ही वाज अ बैड पर्सन. शांत है पर शैतान बहुत था. सो इतनी शैतानी करता था दैट एवरी ईयर बी कॉल्ड टू द स्कूल. फिर जब अमेरिका जा रहा था ऐसे रणबीर ये 10,000 मील दूर है अब मैं न्यूयॉर्क तो नहीं आ सकती. प्लीज बिहेव योर सेल्फ. यहाँ पे कंप्लेंट्स नहीं आनी चाहिए. ही वाज वेरी नॉटी रिद्धिमा की कभी कंप्लेंट नहीं आई. रिद्धिमा आई वाज अ सेंट. घर पे शरारती थी स्कूल में है. हम लोग साथ में मस्ती करते थे लेकिन अकेले में गट्स नहीं थे मस्ती करने के. I didn't want to take the blame. मतलब ये जब छोटी थी रोती भी नहीं थी. She was always a smiley baby, cute baby. और ऐसी कंप्लेंट कौन करता था कि मम्मी आप उसको ज्यादा प्यार करते हो मुझे कम करते हो? रणबीर साथ पूछता था. नहीं मैं तो मेरा so when I got married I became totally a housewife you know. और मेरे बच्चे मेरी वर्ल्ड हो गए. सो मैं रोज स्कूल जाऊँ इनको लेने के लिए तो दोनों एक ही स्कूल में थे. So Ridhima used to like me in jeans and denim. The modern mother. And Ranbir used to like me in salwar kameez. अच्छा. साड़ी सलवार कमीज. तो फिर मैं अभी क्या करूं? तो फिर मैं एक दिन जाती थी जीन्स पहन के और एक दिन पहनती थी सलवार कमीज. दोनों में कुछ करती थी. वाह. Oh my God. खाने में नखरे किसके होते हैं कि ये मुझे नहीं खाना मुझे मेरी मर्जी का ये चाहिए? दोनों जन. रिद्धिमा ज़्यादा नखरेली. नहीं हम दोनों हैं मॉम. रणबीर इज वेरी पर्टिकुलर कि उसको आप दाल भी दो ना तो टेस्टी होनी चाहिए. इज वेरी सिंपल. अच्छा. सब्जी दाल भी दो तो he'll eat but that thing should be tasty. ये नहीं कि तड़का मार के दे दी दाल. वाकई आजकल ना कैलोरीज काउंट करके खाते हैं. ऐसे रिद्धिमा भी खाएंगी तो सारे दिन में 1200 कैलोरीज पूरे दिन में खाएंगी. रिद्धिमा को मैंने आज तक नहीं देखा आइसक्रीम खाते हुए. नहीं आइसक्रीम चॉकलेट रोज खाते हैं ऐसी कोई बात नहीं है. बट नहीं we I've never seen her having मीठा ever. We control you know. कभी नहीं खाया रिद्धिमा. नहीं खाया है. We eat. सब खाते हैं but moderation में. ये सुन के कपिल के पेट में दर्द हो रहा है कि कंट्रोल करते हैं लोग. नहीं मुझे ये समझ में नहीं आता जैसे लड़कियां ना बड़ी कैलोरीज काउंट करती हैं कि मेरी आज हो गई 1500 और इससे ज्यादा नहीं. हम तो 1500 कैलोरीज की तो सौंफ खा जाते हैं खाने के बाद. हाँ I don't think calories कुछ होती है. आप normal खाना खाओ और exercise in moderation. ठूस के मत खाओ. हमें actually किसी ने बताया नहीं पंजाब में कि कितना खाना होता है. हाँ मम्मी मेरी इतना खाना खिला देती ना हमें. मैंने देखा है जो film stars होते हैं जैसे नीतू जी हैं रिधिमा है, खाना खा के बड़े प्यार से उसके बाद napkin यहाँ पे रख के और बाद में घंटों बातें भी करते हैं. हम लोग इतना खाना खा लेते हैं ना धीरे धीरे फिर हमें वही नींद आ जाती है. पता कई बार तो उठा के डालना पड़ता है बेड पे. तो ये बड़ी प्रॉब्लम होती है पर ये चीज सीखने वाली रिधिमा. अब आप नेक्स्ट टाइम जब मुझे मिलेंगी तो मैं 1.5 किलो कम आपको मिलूंगा. ज्यादा की मैं गारंटी नहीं लेता. तो मेरी गुड लिटिल बिट नॉट मच. अच्छा मुझे लगा कहते हैं यू आर गुड लिटिल बिट. ज्यादा तुम खराब ही हो. ये थोड़ा बहुत ट्विक करना. मेरी किस्मत बड़ी खराब है नहीं तो मैं जब सीजन शुरू होता है ना कोई नए शो का तो मैं एक्चुअली सीजन खत्म होते होते फिट हो जाता हूँ. फिर क्या कि पैसे आ रहे हो तो मोटिवेशन भी होती है कि चलो काम चल रहा है जिम जाते हैं ये वो. नहीं तो खर्चे बड़े चुभते हैं. बट आई ट्रूली फील आपने सीजन बंद नहीं करना. सीजन मत रखो नॉन स्टॉप करो. अरे थैंक यू मैम डेफिनेटली. So much weight. Yeah. Oh my God. मम्मी सुना आपने? Oh my God. एक मिनट पहले मैम मुझे देखने दो. नीतू मैम, रिधिमा जी, नीतू मैम. क्योंकि मैम पता नहीं चल रहा माँ कौन है बेटी कौन है. एक बार इनकी फिटनेस के लिए जोरदार तालियां हो जाए यार. नीतू मैम मैं आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ. मैं इंडियन आइडल में गई आप उससे पहले निकल गई थी करके. मैं सुपर डांसर में गई आप वहाँ से निकल गई थी. थैंक गॉड फाइनली आप हमारे शो में आए हैं. मेरे से बड़ी मेरी मम्मी आपकी फैन है. मम्मी ने कहा था जैसे ही नीतू मैम मिले उनको पहले टच करना. हाँ मम्मी सेम स्किन वैसी है जैसे आपने कहा था. बाल भी मम्मी वैसे ही हैं बस इनके तेल नहीं लगा हुआ. मेरी मम्मी के सर पे इतना तेल लगा होता कि रोटी बनाते हुए अगर इधर भी घस के दे देंगी ना आपको लगेगा घी लगा के दिया है. ओ गॉड भाई दोनों हीरोइने कहाँ से बना रही भाई. मतलब इतनी फिटनेस. मतलब आप माँ बेटी एक सोफे पे बैठी. अर्चना मैम कितनी ग्रेसफुल लग रही हैं. मैं घर में अपनी मम्मी के साथ सोफे पे बैठती हूँ ऐसे लगता है गद्दे तय लगा के रखे हुए हैं. ये सारा कसूर मेरी मम्मी का है. एक्चुअली पंजाबी मम्मियाँ भोली बड़ी होती हैं. उनको लगता है कि सारी उम्र बच्चों को और पति को ही खाना खिलाना है. वही हाल करके बेड़ा गर्क किया है मम्मी ने. सच्ची कह रही हूँ मैम ये सारा ना मम्मी का कसूर है. मैंने कुछ दिनों पहले कहा कि मम्मी मैंने आज से नाश्ता नहीं करना मैंने फिट होना है. गरम तवा लेके आ गई कहती नाश्ता नहीं करना. ये जो 4 पराठे बनाए हैं ये खराब जाएंगे. मतलब पराठे नहीं खराब जाने चाहिए बच्चा खराब हो जाए. सच्ची क्या किया. I mean we have to take tips from her. मेरी शादी होगी मम्मी से दूर हूँ ना इसीलिए पतली हुई हूँ क्योंकि मम्मी इतना खाना खिलाती थी. मतलब आपके घरों में फ्रिज होते हैं ना एक्स्ट्रा खाना रखने के लिए. हमारे घर में बच्चे होते हैं. सच्ची हमारे घर में दाल बच जाए बेटा घी डाल के दाल तड़का लगा दो पापा को दे दो. पराठे बच जाए घी लगा के पराठे गर्म कर दो. मतलब नीतू मैम हमारे घर में इतना घी. आप कभी हमारे घर में आ जाओ आप पहले जो बेल बजाएंगी ना उसमें घी लगा होगा. फिर जो दरवाजे का कुंडा खोलेंगी उसमें घी होगा. फिर रिमोट पकड़ेंगी उसमें घी होगा. टीवी की स्क्रीन में घी शीशे में घी. इतना घी इतना मार्केट में नहीं है रिधिमा जितना हमारे घर में घी है. आप लोग का नाश्ता आवाकाडो और भी कई चीजें होती जिसके मुझे नाम भी नहीं आते है ना. हमारे घर में आके देखो कभी आप. आपको पता नीतू मैम मैं 500 रुपए का एक आवाकाडो लेकर गई घर. एक हफ्ता मेरी मम्मी ने फ्रिज से नहीं निकाला. मैं क्या मम्मी कदों कटना जे हो कहते अमरूद तो कच्चा है अभी. मैं क्या मम्मी वो अमरूद नहीं है आवाकाडो है. मैंने काट के अपनी माँ को खिलाया. फिटे मुझ तेरा एक तो सूखा ऊपर से फीका. मतलब पंजाबियों को हर चीज मीठी और ऑयली चाहिए. ये तेरे बहाने हैं भारती. तेरे हाथ में है ना खाना तू मत खाया कर. पाजी मेरे हाथ में होता तभी तो मेरे मुंह में चला जाता है. कोई रोक ही नहीं सकता. हम पंजाबियों को तो एक ही चीज पसंद आती है अर्चना मैम आलू के पराठे. मतलब आलू के पराठे देख के मुझे ऐसे लगता है मैंने रणवीर सिंह को देख लिया. ऐसे मतलब मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाती. रिधिमा मैम मेरे को ऐसा लगा कि चलो पंजाबी घर पैदा हुई हूँ अमृतसर में आलू खा खा के इतनी मोटी होगी. शादी क्या पता थोड़े अच्छे घर में हो फिट लड़का हो ऐसा. शादी भी गुजराती घर में हो गई। ओह स्वीट, पहली बार ये सारे गुजराती। ये देखो, मैंने जिंदगी में पहली बार गुजरातियों के घर यानी कि अपने ससुराल में जाके चाय से भी पतली चीज देखी थी, खाखरा। इतना पतला खाखरा, मैं चाय के साथ 150 खाखरे खा गई, फिर भी मुझे भूख लग गई। मतलब खाखरे से मोटा तो उसके ऊपर स्टिकर लिखा होता है जिसके ऊपर लिखा है ना खाखरा, वो मोटा होता है यार। तू आज घर जाएगी ना, आज देखना ससुराल वाले तेरे को क्या बनाते तेरे लिए। वो बहुत अच्छे हैं गुजराती लोग, बहुत अच्छे होते हैं। ये इतने गुजराती बैठे, मुझे ऐसे लग रहा है कि आज आप मुंबई में नहीं भावनगर में शूट कर रहे हैं। फिर भी तूने काफी वेट कम कर लिया भारती अब तो। हाजी मैंने बहुत कम किया है सच में। रीतु मैम आप मुझे ना कभी शादी से पहले देखती, मैंने 3 नेकलेस पहने थे लेकिन एक ही दिख रहा था। मैं जब विदाई होके ससुराल गई ना, मैंने अपनी डबल चिन उठाई, 2 नेकलेस निकले। मेरी सास ने कहा ठीक है 3 बोले थे, 3 ही पहन के आई है। सच में। लेकिन मैंने देखा है रीतु मैम आप बड़ा योगा वोगा करते हैं, बॉडी स्पा जाते हैं। हाँ कभी कभी है ना। हाँ, क्योंकि कपिल भाजी जब ये लोग स्पा लेते होंगे ना तो इनके स्पा वाले बाहर निकलते होंगे तो पूरा फ्रेश होते होंगे। यस मैम कैसा लगा स्पा? हम कभी स्पा कराने जाए ना तो हमारे स्पा वाले हमारे स्पा के बाद ऐसे निकलते। पानी देना, कोई भारती जी का स्पा किया है पानी देना, फिर उसके बाद उसका स्पा करना पड़ता है। सच में रीतू मैम मैं सच में काफी पतली होना चाहती थी लेकिन ना ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन मुंबई आके मैंने देखा हर चीज में चेंज। यहाँ के बच्चे बहुत कम बोलते हैं। मैं कल अपनी फ्रेंड के घर गई, बच्चा कुछ दीवार पे कर रहा था, मेरी फ्रेंड ने कहा नो, बच्ची ने उसी वक्त पेंसिल नीचे रख दी, सॉरी मम्मा, और अपने कमरे में चला गया। कट्टू में अपने घर गई, मेरी बहन की बच्ची कुछ कर रही थी, मेरी बहन ने कहा नहीं, तू आगे से कहती क्या। हमारे बच्चे ऐसे क्यों होते हैं? और मैंने शादियों में भी यहाँ पे देखा है कि बच्चा अपना सैलेड लेके बैठा होगा और मैं पूछती हूँ कि ये क्या खा रहा है, इसका स्टमक अपसेट हो जाता है ना इसीलिए सिर्फ कैरेट खाता है। और हमारे पंजाबियों के बच्चे अगर प्लेट में थोड़ा खाना लेके बैठ जाए ना तो माँ ऐसे हो जाती है, उधर हलवे का स्टॉल लगा, उधर जाके खा, जाके कोल्ड ड्रिंक पी, क्या पेस्ट्रियाँ भी खा, समोसे कौन खाएगा तेरा प्यो जा। बच्चे को ऐसे पकड़ के कहती है सारा कुछ इधर ही ठूस ले, घर जाके अगर कहा ना भूख लगी मैंने नहीं खाना बनाना, बच्चा डर के मारे सारा कुछ ठूस लेता है। ओह माय गॉड। और मैंने यहाँ पे लेडीज भी नीतू मैम देखी है मुंबई में आके ना, बड़ी चीजें मुझे अच्छी लगी कि स्लो बोलती है, यू नो डार्लिंग हम तो गए थे स्विट्जरलैंड, ये भी थे साथ में, स्नोफॉल हो गई, हम लोग 10 डेज और रुक गए स्वीटहार्ट, हमको तो कोई फर्क नहीं, ये भी खुश हो गए। यही बात हमारी मम्मी का सुनो, हाय पाजी वैष्णो देवी गए थे, हमारा पैकी सारे होटल से बैग सारे कंबल गिले हो गए, पाजी बैठे रे मेरे प्यो ने क्लेश पाता होते हैं, मैं तो फिर उनका डांट गए, इतना फास्ट बोलती है ऐसे लगता है कि दूध उबल जाएगा इनका, फटाफट बंद करके आए। ओह माय गॉड। लेकिन जो भी है हमारी मम्मियाँ बड़ी प्यारी होती हैं सच्ची, बहुत पंजाबी मम्मियाँ। देखो सारी पंजाबी मम्मियाँ बैठी हैं बेचारी। पंजाबी मॉम्स रॉक। यस पंजाबी मॉम्स रॉक। थैंक यू सो मच मैम, मैं आपकी सीरियसली बहुत बड़ी फैन हूँ मैम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां मेरे लिए। थैंक यू। अर्चना जी हमने एक बार नीतू मैम को एक किस्सा सुना था हमने कि रणबीर ने जब पहली सैलरी मिली, जब भी उसने कमाई की तो उन्होंने कुछ सरप्राइज मम्मी के लिए रखा था, और फिर जब रिधिमा के पास नीतू जी मिलने गई तो इन्होंने भी अपनी पार्ट टाइम सैलरी से जो कमाया था मम्मी को घुमाया लंदन। ये बड़े अच्छे मोमेंट्स होते हैं। हमारे जितने भी यहाँ पे दर्शक हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपका अगर कोई ऐसा किस्सा हो पहली सैलरी का जो आपने कमाई की तो उसके साथ क्या किया, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। जी जी मैम। हेलो हेलो सर, मेरा अक्षता नाइक, मेरा नाम। अक्षय कुमार। अक्षता नाइक। अक्षता नाइक जी। अक्षता बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। फर्स्ट सैलरी जब भी लगी थी मैं 8000 मुझे बोला था सैलरी। अच्छा। और बाद में आई वाज नॉट अवेयर कि वो पीएफ ईएसआईसी सब डिडक्शंस होते हैं उसमें, एब्सेंटिज्म ये सब आइडिया नहीं था वो टाइम पे। प्राइवेट जॉब थी कहीं। हाँ एकदम फर्स्ट जॉब ही लगी थी जस्ट ग्रेजुएशन के बाद। मैंने तो पहले सोच लिया था सैलरी आने से पहले कि मम्मी को ये देना है, डैड को ये देना है, मेरी फ्रेंड को कुछ देना है, खुद के लिए भी कुछ लेना है करके। पर जब सैलरी आई मुझे कट करके 5000 कुछ मिला, एब्सेंटिज्म भी था, मेरे तो दिमाग सटक गया, मेरे बोला अरे क्या है, दिमाग सटक गया। 3000 रुपए में आपका दिमाग सटक जाता है? अरे मैंने तो कुछ कुछ आइडिया कर लिया था, मैं बोली ये सब पूरा हो गया। तो किसका गिफ्ट काटा सबसे पहले आपने? गिफ्ट तो किसी को लिया ही नहीं, मैं बोली पहले बॉस से ही बदला लेना है मुझे। बॉस से बदला कैसे लेना? नागिन बन के बॉस। तो मैंने सोचा अभी क्या करूँ, तो तभी सीक्रेट सेंटा भी था ऑफिस में, दिसंबर का महीना था। अच्छा। मेरे जो बॉस थे वो गंजे थे। अच्छा। तो मैंने बोला अब मुझे मौका मिला, तो सर मैंने उनको सीक्रेट सेंटा में गिफ्ट में नारियल का तेल और कंघी गिफ्ट पैक करके दे दिया। वाह, क्या इनोवेटिव आइडिया है आपका। पर अभी मुझे लगता है सर मैंने उनको ऐसे देना नहीं चाहिए था गिफ्ट। अच्छा। क्योंकि सर मेरे हस्बैंड। नमस्कार भाई साहब, कैसे आप? बढ़िया बढ़िया। तो आपको कभी गिफ्ट दिया मैडम ने? यार काफी देते रहते। अच्छा, तो आप कभी नहीं देते? देता हूँ सर। अच्छा, बड़े कट्टू कट है, देते रहते हैं। आप क्या करते हैं सर? सर मैं कंपनी का डायरेक्टर हूँ। अभी तो हस्बैंड कंपनी के डायरेक्टर हैं, तो अभी काम करती हैं आप? इधर इनके साथ ही हूँ, इन्हीं की कंपनी में। सैलरी मिलती पूरी? हाँ मिलती है। काटते तो नहीं है वो 3000 ऊपर वाला? नहीं नहीं नहीं। अच्छा चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा अच्छा लगा आपसे। थैंक यू सर, थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त? जी हेलो कपिल सर। हेलो हेलो मैम, मेरा नाम प्रवीण सिंह है, इन्हें नाम ही से हूँ सर। अरे वाह, कैसे आप? बहुत बहुत स्वागत है सर। मैं ट्रेनिंग पीरियड का एक किस्सा बताना चाहूँगा सर। उस टाइम पे मैं ट्रेनिंग कर रहा था सर, तो हमारी सैलरी 3 महीने करके लेट आती है सर। अच्छा जी। तो उस टाइम मेरी फियांसे का बर्थडे था सर, तो मैंने सोचा कि उनको एक गिफ्ट देता हूँ मैं। अच्छा। तो मैंने उनको एक स्मार्ट वॉच गिफ्ट की, थोड़ी कॉस्टली थी। तो मैंने मम्मी को बताया, मम्मी को कहा कि मम्मी पापा को मत बताना, पापा थोड़ा कॉन्शियस है उन चीज़ों को लेके। अच्छा। पैसे खर्चा करते हैं। अच्छा। तो मम्मी ने नेक्स्ट डे पापा को बताया, पापा ने नेक्स्ट डे मुझे फ़ोन किया क्लास लेने के लिए सुबह मॉर्निंग में। अच्छा। और मैं वहाँ ट्रेनिंग में था, तो उन्होंने बोला कि हाँ भाई सैलरी आ गई? मैं बोला हाँ पापा आ गई सैलरी। तो फिर हमारी भी एनिवर्सरी आ रही है, हमारे लिए कुछ गिफ्ट विफ्ट है? मैं बोला पापा मैं नेक्स्ट महीने का करता हूँ पापा, अभी इसमें मेरा थोड़ा खर्चा है। बोला मुझे पता है, तो तेरे कितनी रामायण चल रही है ना, मेरे को सारा चीज़ पता है, तेरे पैसे कहाँ गए, तेरी फर्स्ट सैलरी कहाँ गई है। तो उसके बाद मेरी फियांसे ने मेरे को नेक्स्ट 2 महीने बाद उन्होंने गिफ्ट दिया। मैं घर आया था, तो वो स्मार्ट वॉच उन्होंने भी मुझे रिटर्न किए थे, वो मेरे पापा ने अभी पहना हुआ है। पापा को वॉच पसंद आ गई। आपके पापा आए साथ में? यस सर, मेरे पापा हैं। आइए प्रभु। कैसे आप? तो मतलब पापा ने आपकी मम्मी को कभी गिफ्ट नहीं दिया? कभी कोई? नहीं सर, देते रहते हैं, लेकिन मेरी फियांसे ने जो मुझे वॉच दिया था ना, वो वॉच पापा को पसंद आ गया, आज भी उन्होंने पहनी हुई है। अच्छा। और ये मेरी फियांसे हैं। अच्छा जी, नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरी मदर है सर। नमस्कार जी, पूरी सब परिवार आए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी कहाँ पोस्टिंग है आपकी? सर मैं नागालैंड में हूँ, मोकचंग में। अच्छा जी, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। नागालैंड। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त? जी मैम। हेलो कपिल सर। नमस्कार जी, मैं छाया। हाय छाया। अच्छा। तो एक ऐसा किस्सा है कि जस्ट एंगेजमेंट हुई थी, हस्बैंड कैसे है, नेचर कैसे है, कुछ भी नहीं पता। आपकी एंगेजमेंट हुई जब? हाँ। अच्छा जी। 35 years बिफोर। तो मैंने उनको गिफ्ट देना चाहता, मैंने बोला चलो क्या दिया जाए, तो फिर मैंने एक सोचा कि एक म्यूजिक कैसे दी जाए। अच्छा, तो हाँ। उसमें मैंने खास तौर से मैम के गाने थे उस समय के, 80s के, और वो कैसेट मैंने मेरे हस्बैंड को गिफ्ट के तौर पे दी थी। अच्छा जी। तो फिर क्या बोले वो? वो तो बोले वाव, और हमको पता चल गया कि म्यूजिक के लिए सेम नेचर है हम लोगों का, तो वहाँ पे हमारा नेचर मिलने लग गया है। वाह, आए आपके हस्बैंड साथ में? हाँ मेरे हस्बैंड आए। एक कुर्सी छोड़ के क्यों बैठे हो अगर आपका इतना नेचर मिलता है तो। अच्छा, ये जो प्रोटोकॉल जो फॉलो करते हैं वो इसलिए होता है कि मतलब आप किसी स्ट्रेंजर से अगर मिलते हैं तो उससे दूरी बनाए रखें। आप तो घर से एक साथ ही आए होंगे? हाँ जी। मतलब काफी सालों से साथ में ही है, तो आप साथ साथ बैठ सकते हो, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई साहब, फिर आपको जब मैडम ने कैसेट दिया तो वहीं पे आप फिदा हो गए थे? वो फिदा तो मैं पहले ही हो गया था। वो जो सोनी की जो ऑडियो कैसेट होती थी ना, हाँ। 35 साल हो गए वो अब तक मैंने संभाल के रखी। आपके चरण कहाँ हैं? क्या बात है यार। और अगर आप कहें तो उसमें से एक गाने की 2 पंक्तियाँ भी सुनाइए। जरूर जरूर सर, सुनाइए प्लीज। आपका ही गाना है मैम। ये एक बात मुझे क्लियर कर दो, सुना किसको रहे हो आज? बीवी के लिए गा रहे हो कि आज नीतू जी के लिए गा रहे हो? जी सर प्लीज। थैंक यू सर, आप दोनों इतने प्यारे हैं और किस्सा भी आपने इतना प्यारा सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो पे आने के लिए। लवली। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। नमस्ते कपिल सर, माय सेल्फ कपिल टू। हाँ जी, मेरा नाम भी सर कपिल ही है। कैसे? आई मीन हाँ हो सकता है सर, मुझे ये तो याद नहीं है कि मैंने अपना पहला गिफ्ट किसे दिया था। दारू पी के दे दिया होगा किसी को। बट मुझे जो पहला गिफ्ट मिला था हाँ, वो मुझे आज भी अपने जहन में याद है। मुझे एक मेरी एक्स गर्लफ्रेंड ने एक घर बनाकर गिफ्ट किया था। घर बना के? जी हाँ जी हाँ, असली वाला? नॉट असली वाला सर, वो एक छोटा सा घर। जी जी, तो जो लकड़ी का ऐसा। हाँ लकड़ी। तो आपने पूछा नहीं मैं कबूतर हूँ? आपके जैसा सिर्फ नाम है मेरा सर, मैं आपके इतना फनी नहीं हूँ सर। नहीं तो मेरा भी तो नाम कपिल देव जी के देख के रखा गया, मैं कौन सा क्रिकेट खेलता हूँ। तो फिर उसके साथ घर तो नहीं बना पाया, बट मुझे आज भी वो गिफ्ट याद है कि मुझे किसी ने वो गिफ्ट दिया था, वो आज भी मेरे जहन में बसा हुआ है सर। तो अब आपकी शादी हो गई होगी? जी हाँ मेरी शादी हो गई है। तो ये बात आपकी वाइफ भी सुनेंगी? शी इज राइट हियर एंड सुन ली। चलिए ईश्वर आपकी रक्षा करें, हम क्या कह सकते हैं। मैडम को जरा देना। मैडम कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। ये क्या बोल रहे हैं? ये बोलते अभी भी मेरे को याद है पहले वाली। वो उनका पास्ट था, मैं उनका प्रेजेंट और फ्यूचर हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Too good. आपको इन्होंने गिफ्ट दिया पहला, आपको याद है? हाँ याद है। देखा बीवियां, ये बड़ी प्यारी बात मुझे लगती है लेडीज की, उनको याद होता, कहते मेरे को याद नहीं है मैंने किसको क्या दिया था, मेरे को मिला जो याद है। तो आज उन्होंने उनका नाम लिया, फिर कैसे आज कोहनी पे मारेंगी आज? नहीं नहीं। अच्छा कितनी प्यारी बीवी मिली है आपको। वो यहाँ पे तो बोल रही है पता नहीं घर जा क्या करेंगे, आई डोंट नो। चलिए सच बोल रही। अर्चना जी होती ना यहीं पे हाथ मरो, क्या बोल रहा था। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हंसी टटोला लगा के रखा है आप लोगों ने। आई आई, ये तो सब बच्चे हैं, लेकिन अर्चना जी आप तो बुजुर्ग हैं, आई मीन बड़ी हैं। यहाँ बगल में हम केबीसी की शूटिंग कर रहे हैं। ओह सॉरी। एक कंटेस्टेंट से मैंने पहला सवाल पूछा 1000 रुपए के लिए। अच्छा। इनकी हंसी की आवाज सुनकर वो सर के बल गिर गया। बल्कि हमारा ऊपर से 5000 रुपया खर्चा हुआ उसको ठीक करने में। सॉरी अमित जी, सॉरी। हमारे गुरुकुल के 3 नियम हैं, परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन। लेकिन मैं अरे भाई कपिल जी आपने बताया नहीं कि नीतू जी और नमस्कार। It's so nice to see you after a very long time. That's different that I can't see you, but it's so nice to see you. इतने दिनों के बाद। अब कहाँ गई आपकी वो परंपरा, प्रतिष्ठा? और वो प्रतिष्ठा गई तेल लेने और परंपरा गई बेसन लेने। मिल के हम पकोड़े बनाएंगे क्योंकि नीतू जी को पकोड़े बहुत पसंद आए। Am I right? हाँ, you're very right. So wonderful. So amazing. हम अपना बैकग्राउंड खुद ही रखते हैं साथ में। So wonderful, I'm seeing you after such a long time. कितने दिनों के बाद? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10,000 दिनों के बाद कम से कम मैं आपको देख रहा हूँ। और आप तो जानती हैं कि मैं बिजी बहुत रहता हूँ, है ना? सूर्यवंशम की रिपीट टेलीकास्ट चलते रहते हैं। और KBC, you know it's damn busy schedule. पर आप तो नकली बच्चन है ना? नकली हो या असली क्या फर्क पड़ता है, आते तो दोनों Sony TV पर है ना। सही बोला। और जब Sony TV असली और नकली में कोई भेदभाव नहीं करता तो फिर आप क्यों करते हैं कपिल शर्मा? आप क्यों करते हैं? आए कितने दिनों के बाद आई। ये क्या कर रहे, किससे बातें कर रहे हैं? मैं तन्हाई से बातें कर रहा हूँ। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर बातें करता है। Oh my God! आई तन्हाई काफी बड़ी हो गई है। हम मैं इधर बात कर। आई नहीं नहीं इधर नहीं नहीं इधर नहीं आई इधर इधर आई आई मैं बात कर लूँ आई। और नीतू जी ये बताइए क्या लेंगे आप? बस दिल। दिल क्या ये कैसी बातें कर रहे हैं आप नीतू जी से? जब आप जीतू जी से ऐसी बातें कर सकते हैं तो हम नीतू जी से वैसी बातें क्यों नहीं कर सकते? बचपन साहब एक बात बताइए, यहाँ पे कैसे आना हुआ, आप क्या करने आए? मैं पिटली सी बातें करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। आपने शमिताभ, have you seen the film शमिताभ? What a wonderful film! Amazing, amazing. हमारी पिक्चर थी। आपने हमारी वो भी फिल्म देखी होगी ब्लैक। Yes. ब्लैक देखी है। Yes. और आपने पिंक भी देखी होगी। आज मैं आपको पर्पल दिखाऊंगा, ये देखिए। ये था हमारा कलरफुल हास्य विनोद, जोरदार तालियां हो जाए। You know, कुछ ही दिन पहले की बात है, I saw your picture. Fantastic, आपने blue color का कोई dress पहना था। हाँ। वो जो picture थी, वो picture मेरे मन को छू गई। अगर आपको मेरी कोई भी बात बुरी लगी होगी, तो बच्चन का बचपन समझ के उसे माफ कर दीजिए। मैं बहुत दिनों के बाद नीतू जी को देख रहा हूँ तो थोड़ा सा भावुक हो गया मैं, थोड़ा सा इमोशनल हो गया। बचपन साहब आप परेशान कर रहे हैं हमारे मेहमानों को। हाँ तो जो आपके मेहमान हमें परेशान कर रहे हैं उसका क्या? क्या हुआ आपको, क्या परेशान किया? कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझो, तुम नहीं समझोगे। खैर नीतू जी हमने वो फिल्म की थी साथ में याराना, What a wonderful film. Absolutely. और जो गाना किया था हमने, मैं वो जो steps हैं वो कभी-कभार भूल जाता हूँ। तो क्या आप? नहीं नहीं आप उन्हें परेशान ना करें please। आज खुश तो बहुत होंगे तुम। आज तक आपके शो की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ा। वो आज यहाँ पर बाहें फैलाकर सिर्फ एक step ही तो मांग रहा है। नीतू जी ना मत कहिएगा। मैं चलता हूँ। मैं जैकी शरफ क्यों आ गया इतना? मैं चलता हूँ। आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। लंच पे मुलाकात करेंगे फिर से। Ridhima, wonderful seeing you. Wonderful to see you too. I can't see you, but wonderful seeing you. See you. वाओ थैंक यू सो मच नीतू मैम, इतना ब्यूटीफुल डांस मोमेंट। तो एक बार जोरदार तालियां नीतू जी के लिए और रिधिमा के लिए। मैम आइए प्लीज। नीतू मैम आपसे जब भी मुलाकात होती है हमेशा वो एक एक मोमेंट, एक एक पल हमें याद रहता है। पिछली बार भी जब आप आई थी और इस बार भी इतना मजा आया। इस बार आप रिधिमा के साथ आई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू कपिल, और इतना मजा आया एंड आई एम श्योर आप लोगों को भी मजा आया। दिस इज वेरी स्पेशल बिकॉज़ मेरी बेटी पहली बार आई है, सो आई रियली फील सो नाइस। मुझे तो बहुत मजा आया आज। थैंक यू रिधिमा, थैंक यू। और दोस्तों लाफ्टर का डोज लेके हम आते रहेंगे, आप वैक्सीन का डोज लेके खुद को सुरक्षित रखिए, आप स्वस्थ रहें। गुड नाइट शबा खैर, थैंक यू। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल. Click the show links and enjoy watching the videos.